अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही वबरकातुहू। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माय नेम इज़ रहमान अशरफ एंड यू आर वाचिंग सेंटर पॉइंट CTN। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द सी स्वीप 3.1 लेवल 2 वेल्डिंग इंस्पेक्टर कोर्स स्टडी सेकंड चैप्टर। वी आर स्टडी टुडे डिफरेंस बिटवीन ब्रेजिंग एंड ब्रेज वेल्डिंग। सो कीप वॉचिंग। So this is the definition in the chapter 2, brazing and braze welding. The many people are confused between the brazing and braze welding. So today we will study this, what is brazing and what is braze welding. Have some little difference between these two definitions. So I will explain, maybe you will understand betterly. So what is braze welding? Brazing, a process of joining generally applied to metals. So it is a joining process to join the metals, in which during or after heating. So heat will be applied, maybe during joining or after joining. So molten filler metal is drawn. So filler metal will be drawn in molten shape into or retained in the space between closely adjacent surfaces. Two surfaces we will adjust where we want to join, and molten metal we will drawn or retain in the space that we adjust two faces to be joined. Capillary action. So by using capillary action, what is capillary action? Capillary action is the flow capacity of the liquid. So we will draw molten metal in the surface. So by using capillary action, it will be adjust in the gap or the adjacent parent materials. In general, the melting point of the filler metal is above 450 degree, but always below the melting temperature of the parent material. So दोस्तों, ब्रेजिंग जो है वो एक जोड़ने का अमल है, दो धातुओं को जोड़ने का अमल है। उसमें हरारत का भी इस्तेमाल करते हैं, और हरारत जो है वो हम जॉइनिंग के दौरान भी यूज़ कर सकते हैं और आफ्टर बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है दो पेरेंट मेटल जिसको हम जोड़ना है उसको हमने सेट कर लेते हैं, और उसके ऊपर जो मोल्टन मेटल है वो उसके ऊपर पिघला के डाल देते हैं, और बाद में भी उसको अगर हीट की ज़रूरत है तो हीट उसको दी जाती है। तो इसमें एक चीज़ का ख्याल ये रखा जाता है कि जो फिलर मेटल का जो टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो 450 से अबव होना चाहिए, क्योंकि 450 से कम अगर हम उसको ज्वाइन करेंगे तो वो प्रॉपरली ज्वाइन नहीं होगा। तो ऑलवेज जो है वो 450 से अबव होना चाहिए इसका टेम्परेचर मोल्टिंग मेटल का, जो हम फिलर मेटल यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान करना है, जिस चीज़ को हम जोड़ने जा रहे हैं उसके जो मेल्टिंग पॉइंट से हमेशा ही कम रहना चाहिए। अगर वो कोई भी मेटल जो है वो 800 पे मेल्ट हो रहा है, कुछ 600 पे हो रहा है, तो हमेशा उससे नीचे ही रहना चाहिए, 450 से ऊपर रहना चाहिए। तो इसके दरमियान में ये टेम्परेचर रख के हम करते हैं इसको ज्वाइन। तो इसकी जो बेहतरीन मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे हम शॉप्स के अंदर देखते हैं, हमारे मोबाइल शॉप के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप के अंदर जो छोटे छोटे टांके लगाए जाते हैं, उसके काविया यूज़ करते हैं, और उसके अंदर एक बारीक सी वायर को पिघला के ऊपर डाल रहे होते हैं। तो सेम ये वही प्रोसेस है कि उससे हम उसको हीट करते हैं और जो वायर है उसको हम पिघला के उसके ऊपर डाल देते हैं, तो इस तरह से वो ज्वाइन हो जाता है। तो ये उसकी बेहतरीन मिसाल है। तो इसको ब्रेजिंग कहते हैं कि जिसमें हमने जस्ट दो एडजेसेंट पेरेंट मटेरियल के ऊपर पिघला हुआ मटेरियल डाल दिया और उसको हीट थोड़ी सी दे दी, तो इस तरह से ये ज्वाइन हो जाता है। और इसमें बेस मटेरियल जो है जिसको हम टांका लगा रहे होते हैं वो बिल्कुल पिघलता नहीं है। ठीक है, ये इसके अंदर एक इसकी डेफिनेशन है। और इसके बाद ब्रेज वेल्डिंग को जब देखेंगे तो हमें ब्रेजिंग की भी समझ आना शुरू हो जाएगी साथ में, कि ब्रेज वेल्डिंग क्या है, अभी ब्रेज वेल्ड के साथ वेल्डिंग क्यों लगाया गया है। द जॉइनिंग ऑफ मेटल्स यूजिंग अ टेक्निक सिमिलर टू फ्यूजन वेल्डिंग। अभी फ्यूजन वेल्डिंग की बात करें तो
पिघला के करने वाली वेल्डिंग की तरह ये टेक्निक है ब्रेज वेल्डिंग, ठीक है। तो एंड अ फिलर मेटल विद अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट, अभी एक फिलर मेटल यूज़ किया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होता है, जल्दी पिघल जाती है, देन द पेरेंट मेटल, पेरेंट मेटल से जल्दी पिघल जाती है। अगर दोनों दो पेरेंट मेटल जिसको हम जोड़ रहे हैं और फिलर मेटल, तीनों को अगर हम सेम टाइम पे गर्म करना शुरू करें तो सबसे पहले फिलर मेटल पिघल जाएगी। तो यही उसका मेल्टिंग पॉइंट है जो उससे पेरेंट मेटल से कम है। बट नाइदर यूजिंग कैपिलरी एक्शन, यहाँ पे अभी कैपिलरी एक्शन यूज़ नहीं हो रहा कि हमने वायर को पिघलाया और ऊपर डाल दिया, इस तरह से हम नहीं कर रहे एज इन ब्रेजिंग, जैसे हमने ब्रेजिंग में किया था ऐसे हम नहीं कर रहे, नॉर इंटेंशनली मेल्टिंग द पेरेंट मेटल, और ना ही हम जानबूझ के पेरेंट मेटल को पिघला रहे हैं और ऊपर मेल्ट करके वायर लगा रहे हैं, ऐसे भी नहीं है। हम जस्ट हीट देते हैं इसको, दोनों पेरेंट मेटल को हीट दे रहे होते हैं साथ में फिलर वायर के, तो पेरेंट मेटल जो हीट का उसका टेम्परेचर ऐसा मेल्टिंग के करीब चला जाता है, और उससे पहले पहले जो वायर है वो फिलर मेटल है वो पिघल जाती है और वो पेरेंट मेटल के ऊपर फैल जाती है, तो इस तरह से जो वो ज्वाइन हो जाता है। तो इसमें जो बेस मेटल है जो जिस पार्ट्स को हम जोड़ रहे हैं वो कभी पिघल भी जाते हैं और कभी नहीं भी पिघलते, पिघलने के करीब होते हैं और वायर मेल्ट होकर ऊपर लग जाती है। तो इसकी बेहतरीन मिसाल भी मैं आपको देना चाहता हूँ, ये भी आपने मार्केट्स के अंदर देखा होगा, शॉप्स में देखा होगा, जो गैस वेल्डिंग कर रहे होते हैं वो एक फ्लेम के ज़रिए से किसी भी शीट को गर्म कर रहे होते हैं और उसके साथ एक वायर उसके ऊपर पिघला रहे होते हैं, तो इस तरह से वो ज्वाइन हो जाती है। तो ये गैस वेल्डिंग की बेहतरीन मिसाल है ब्रेज वेल्डिंग की। तो इस तरह से ये फ़र्क इसके अंदर पाया जाता है ब्रेजिंग और ब्रेज वेल्डिंग में। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की थोड़ी बहुत समझ ज़रूर आई होगी। तो अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।